हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना खुद का एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स कैसे बना सकते हैं। तो मैं पूरा एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। पहले जैसे कि हम लोग एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र, वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे हमें टाइप करना है www.irsuni.com। जैसे ही हम लोग ये वेबसाइट पे जाएंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स ने डाले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कोर्स अपलोड करने से पहले आपको लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो डेफिनेटली आपको साइन अप करना होगा। आप जैसे ही साइन अप करोगे, आपको सिंपल है फॉर्म, फर्स्ट नेम आपको डालना है, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आपको पासवर्ड सेट करना है, साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करोगे तो यहाँ पे आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद में आपको लॉग इन करना होगा। अब मैंने मेरा ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं मेरे लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। सिंपल प्रोसेस है। कोई जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं या कोई भी एक वेबसाइट के अंदर जैसे कि हमें लॉगिन करना होता है, उसी तरह से हम लोग इसमें लॉगिन करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब मान लो हमें अपना खुद का एक कोर्स डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने खुद का कोर्स डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इंस्ट्रक्टर नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रक्टर, राइट, माय कोर्स के बिल्कुल बाजू में साइड में आप देखोगे इंस्ट्रक्टर। इस इंस्ट्रक्टर कोर्स के ऊपर जैसे कि आपने एक बार क्लिक किया तो आपका एक एडमिन पेज ओपन हो जाएगा, मतलब आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप आपका कोर्स अपलोड कर सकते हो, जहां पे आपको दिखाई देगा आपका पूरा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आएगा जैसे कि मान लो आपने कितने कोर्सेस अपलोड किए हैं, मतलब एक्टिव कोर्सेस आपके कितने हैं, आपके पेंडिंग कोर्सेस कितने हैं, मतलब मान लो अगर आप ऑलरेडी कोर्स डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन आएगा, ड्राफ्ट कोर्स, फ्री कोर्सेस अगर आप कुछ करना चाहते हो यहाँ पे तो फ्री कोर्सेस आप कर सकते हो, पेड कोर्सेस जो आप फीस चार्ज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई आपका कोर्स जो भी परचेस कर रहा है 100 रुपीज से लेके आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक का आप मिनिमम कोर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कोर्स अपलोड कैसे किया जाता है वो देखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड न्यू कोर्स, ठीक है, ऐड न्यू कोर्स, या आप यहाँ पे कोर्स में भी जाके आप अपलोड कर सकते हो। जैसे ही मैंने कोर्स के ऊपर क्लिक किया तो एक पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने। ऐड न्यू कोर्स के ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड न्यू कोर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो कोर्स एडिंग फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, कोर्स एडिंग फॉर्म। फर्स्ट आपको कोर्स, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बनाना होगा आपको कि किस टाइप का आप कोर्स करना चाह रहे हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग एक कोई इंटरनेट कोर्स बना रहे हैं, इंटरनेट लर्निंग कोर्स, इंटरनेट लर्निंग, मतलब मान लो ये मेरा कोर्स का हेडिंग हो गया। अब उसके बारे में मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, इंटरनेट ऑपरेटिंग, मतलब मेरा ये कोर्स किस किसके बारे में है, मतलब किस लिए मैंने ये कोर्स बनाया है, ताकि जब भी स्टूडेंट्स या जो भी आपका क्लाइंट होगा वो इस कोर्स को देखो परचेस करने से पहले वो देखेगा कि ये कोर्स किसके लिए है, ये कोर्स किसके लिए बना हुआ है, इसके अंदर क्या कंटेंट्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ वो जानने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है। मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ इंटरनेट ऑपरेटिंग। फिर यहाँ पे आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको,
यहाँ से आप कोई भी टूल यूज़ करके इसको प्रॉपर बना सकते हो। अब मैं मेन चीज़ें आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा फास्टली, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आप किस कैटेगरी में कोर्स बना रहे हो, फूड इंडस्ट्री में बना रहे हो, बिजनेस फार्मूला में बना रहे हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बना रहे हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने बना रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर बना रहा हूँ मान लो, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। अब मेरा कोर्स का लेवल क्या है, बिगनर है, एडवांस है, इंटरमीडिएट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोर्स जो है बिगनर के लिए बना रहा हूँ। अब मेरा कोर्स लैंग्वेज किस में है, फॉर एग्जाम्पल बंगाली, इंग्लिश, हरबियू, हिंदी, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेक इफ़ दिस कोर्स इज़ टॉप कोर्स, मतलब अगर मुझे ऐसा है कि मेरा कोर्स टॉप लिस्ट में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, जैसे नेक्स्ट करूँगा तो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट पूछेगा, मतलब इस कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि मैं बोलूँगा कि यू नो नाइन्थ पास स्टूडेंट, मतलब 9 पास के ऊपर का कोई भी स्टूडेंट मेरा कोर्स को अप्लाई कर सकता है। या आपको ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी, मतलब अनएजुकेटेड बंदा भी है, मतलब मान लो कोई ऐसा स्कूल का आपको कोई लेवल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्किल्ड लर्निंग, स्किल लर्निंग, जैसे कि मैंने डाल दिया स्किल लर्निंग डाल दिया। जैसे कि इसका कोई ये नहीं है कि भाई अगर कोई स्किल सीखना चाह रहा है, बस इतनी ही मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो आके मेरे कोर्स को अप्लाई कर सकता है। आउटकम, मतलब इस कोर्स को पूरा करने के बाद में मुझे क्या फ़ायदा होगा, इंटरनेट, जैसे कि मैं इंटरनेट का कोर्स बना रहा हूँ तो इंटरनेट एक्सपर्ट बनूंगा मैं। तो आप जो भी कोर्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो कोर्स करने के बाद में वो बंदा को क्या फ़ायदा होगा, उसकी आउटकम क्या होगा। प्राइजिंग, इस कोर्स की प्राइजिंग क्या होगी। अब जैसे कि मैं कोई छोटा सा सिंपल कोर्स बना रहा हूँ यहाँ पे इंटरनेट, अगर आपका कोई कोर्स हेवी है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स सिखा रहे हैं या बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें 1000 अबव कोर्स की फ़ी लगा सकते हो। मैं नॉर्मल लगाता हूँ यहाँ पे 250, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मेरी कोर्स की फ़ी 500 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा चेक इफ़ दिस कोर्स हैज़ डिस्काउंट, अगर मुझे कुछ डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकता हूँ, मान लो मैंने 100 रुपीज़ डिस्काउंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, फिर वो पूछेगा कोर्स का मीडिया कुछ पूछेगा, फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कि कोई भी बुक अगर आप खरीद रहे हो तो उसका फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कोई कोर्स आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो उसका होता है ना कि प्रीव्यू वीडियो होता है, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, यूट्यूब के ऊपर, अगर मान लो आपने यूट्यूब के ऊपर आपका कोई एक प्रीव्यू बना के आप वहाँ पे अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे चैनल से कोई एक चीज़ उठाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से, बिकॉज मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा हम लोग रुक रुक के कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो ये मेरा चैनल है और यहाँ से मैं अपना एक कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, मान लो ये वाला वीडियो है, ये वाली वीडियो की यहाँ पे मुझे की मिल जाएगा, शेयर, शेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉपी लिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहे हो यहाँ पे कॉपी, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। जैसे ही कॉपी करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, लिंक कॉपीड टू क्लिपबोर्ड, ओके। जैसे ही मैसेज आ गया तो मैं वापस मेरे पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, वो लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब थंबनेल, आप 600x600 कोई भी एक थंबनेल आप इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे मान लो कोई एक इमेज, मतलब आपका जो बुक का या आपका जो कोर्स का जो फेसिंग होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है।
थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक इमेज ले ली यहाँ से, यहाँ पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आपको जो कीवर्ड्स आपके कोर्स के लिए डालने हैं, जैसे कि कोई भी बंदा इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और आपके कोर्स को किस कीवर्ड से वो सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ इंटरनेट कोर्स, तो मैं इंटरनेट कीवर्ड यहाँ पे बनाना चाहूँगा, मेटा डिस्क्रिप्शन इंटरनेट इस कीवर्ड से, और आपको अलग अलग क्या है स्टडी इंटरनेट, यहाँ पे आप बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, बट ये ध्यान में रहे कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो कीवर्ड्स हैं यूनिक कीवर्ड्स आप यूज़ करो, ताकि आपका कोर्स यू नो हायर रैंकिंग में आ सके। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है इन लोगों ने और बहुत ही सिंपल बनाया है। अब मैंने इस कोर्स की डिटेल यहाँ पे सिर्फ भरी हुई है, सबमिट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा कोर्स जो है पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐड सेक्शंस, ऐड लेसंस, ऐड क्विज। अब ऐड सेक्शंस इसके लिए होता है, जैसे कि आप होता है ना कि आपके जैसे कि मान लो एक किताब है सिलेबस की किताब है, जैसे सिलेबस के अंदर होता है, सिलेबस का अंदर लेसंस होते हैं, लेसंस के अंदर यू नो आपका स्टडी मटेरियल होता है, तो आपको फर्स्ट लेसंस बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइटल्स बनाऊंगा, टाइटल में मुझे चाहिए कि वो इंटरनेट ब्राउजर, मैंने मान लो यहाँ पे बनाया इंटरनेट ब्राउजर, ओके सबमिट किया। अब मुझे अब जो भी कोर्स बना रहा हूँ उसके मुझे टाइटल्स बनाना है, मतलब टाइटल्स मतलब ऐड सेक्शन। देखो मैं यहाँ पे एक सेक्शन आ गया, ठीक है, और एक सेक्शन मैं बनाऊंगा ईमेल, इंटरनेट का जो होता है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ईमेल लर्निंग, ईमेल हैंडलिंग, ये एक मैं लेसन बना रहा हूँ ईमेल हैंडलिंग। ऐसे इंटरनेट लर्निंग के लिए जो भी कुछ यू नो सब्जेक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे ऐड करते जाना है। देखो यहाँ पे मेरा सेकंड आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, ऐड लेसंस करना है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे समझ पाऊँगी अभी मैंने क्यों यू नो सेक्शंस बनाए। अब मैं लेसंस का टाइटल डालूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्राउजर, ओके तो यहाँ पे वो पूछेगा सेक्शंस, सेक्शंस किस सेक्शन के अंडर ये लेसन चलेगा, तो इंटरनेट ब्राउजर के अंदर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लेसन टाइप, यहाँ पे आप वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज, मतलब ये जो लेसन है आप किस फॉर्मेट में सिखाना चाह रहे हो। अब मान लो मैंने वीडियो के जरिए सिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे वापस वो पूछेगा लेसन प्रोवाइडर, लेसन प्रोवाइडर कौन है, आपका यूट्यूब है, वीमो है, एचटीएमएल, मान लो मैंने पूछा एचटीएमएल यूट्यूब, ठीक है। अब आप बोलोगे कि YouTube पे अपलोड करना है, तो इस YouTube पे तो कोई भी यू नो देख सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रिकी है, ये जो वेबसाइट है लिंक्ड है YouTube के साथ में, जो कि आपको एक ऑप्शन में आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, एक YouTube चैनल पे मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ, ये वाले YouTube चैनल पे मेरे खुद के, जहाँ पे कुछ फाइल्स मेरे योर चैनल, आप जैसे कि आपका YouTube पे कोई भी एक वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई आप वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे हम लोग, वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको वो पूछता है कि ये वीडियो जो है पब्लिकली आपको पब्लिश करना है या अनलिस्ट करना है या प्राइवेट करना है, ओके तो आपको क्या करना है, अनलिस्ट करना है। यहाँ पे देखो कुछ वीडियोज मेरे जो है वो अनलिस्टेड है, अभी मैं आपको बताऊंगा जो वीडियोस मेरे जो है वो अनलिस्टेड जो है, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज हो रहा है,
जहाँ पे मैंने सिंपल YouTube के ऊपर मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं, अपलोड करने के वक्त में वो पूछता है अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक। आपको पब्लिक अगर आप करते हो तो पब्लिकली कोई भी वो वीडियोस देख सकता है, अगर आप प्राइवेट करते हो तो कोई भी वो वीडियो नहीं देख सकता है सिवाय आपके। अब यहाँ पे मैं जैसे कि आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने वीडियोस पे क्लिक कर रहा हूँ। वीडियोस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे प्राइवेट वीडियोस, अनलिस्टेड वीडियोस और पब्लिक वीडियोस, हर एक वीडियोस मेरे सामने आ जाएंगे। देखो चैनल डैशबोर्ड पे आ गया मैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं विजिबिलिटी, विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे विजिबिलिटी जो है अब कुछ पब्लिकली आपको दिखाई दे रही है और कुछ अनलिस्टेड दिखाई दे रही है। अनलिस्टेड मतलब ये जो वीडियोस है वो लिस्टेड नहीं है पब्लिकली, तो मुझे क्या करना है, वो वीडियोस की लिंक जो है यहाँ पे गेट शेयरिंग शेयरेबल लिंक, जैसे आप गेट शेयरेबल लिंक करेंगे तो लिंक कॉपीड टू क्लिपबोर्ड ऐसे मैसेज आ जाएगा, या वो लिंक कॉपी होनी चाहिए आपकी, और यहाँ पे मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा आपको टैब बटन दबाना है तो इस तरह का ड्यूरेशन यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही ड्यूरेशन आएगा समझ लो आपका वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है। मतलब आपका जो ये कोर्स है 2 से 3 सर्वर से चलेगा, 2 से 3 सर्वर से चलेगा, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो और यूट्यूब, मतलब वीडियोस के लिए आपकी प्राइवेसी वहाँ पे आपकी सिक्योर्ड हो रही है और यहाँ पे आपका प्रॉपर वे में कोर्स प्रॉपर वे में चल रहा है। अब यहाँ पे ऐड लेसन्स मैंने कर दिया, अब ये मेरा फर्स्ट लेसन रेडी हो गया। ओके, देखो वो कोर्स नहीं लिया उसने, मैं फिर से दोबारा एक बार करने की कोशिश करता हूँ उसको। यहाँ पे टाइटल नहीं डाला शायद मैंने, इंटरनेट ब्राउजर। देखो जैसे ही आप ऑपरेट करोगे ये पूरे चीजें जो है आपके प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे लेसन हैज बीन एडिट सक्सेसफुली आ गया, और यहाँ पे देखो इंटरनेट ब्राउजर जो सेक्शन था उसके अंडर एक लेसन रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके पूरे कोर्सेज के लेसन्स आप यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो। जैसे ही आपका प्रॉपर हो जाता है तो आपको फिनिश करना है। फिनिश पे जैसे ही आप करोगे, याद रखना फिनिश और सबमिट ये 2 बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिनिश और सबमिट नहीं करोगे और आपने सिर्फ अपलोड करते जा रहे हो तो वो डेटा सेव नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग कोर्स, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पेंडिंग कोर्स है मतलब जैसे ही मेरा पूरा कोर्स रेडी हो जाएगा ये एक्टिव पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये सेटिंग में जाना है, पेमेंट सेटिंग। यहाँ पे आपको एक क्लाइंट आईडी आपको मिल जाती है आपके मेल आईडी पे। जैसे आप इंस्ट्रक्टर रजिस्टर हो जाते हो 2 से 3 दिन के अंदर आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है। जैसे ही आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है तो यहाँ पे वो क्लाइंट आईडी आपको अपडेट करना है। जैसे आप क्लाइंट आईडी अपडेट करते हो तो आपको पेमेंट आने में आसानी होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको जो भी कोर्स खरीदता है आपका कोर्स उसके थ्रू आपको डायरेक्टली पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ये था सिंपल हम लोग ने देखा, और पूरा सिंपल है कोर्स इंस्ट्रक्टर रिव्यू। आप यहाँ पर रिव्यू भी देख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके कोर्स को कितने लोगों ने मतलब एनरोलमेंट हुआ है, आपका कितना पैसा जनरेट हुआ है, आपके कोर्सेज का स्टेटस क्या है, आपके ऑप्शंस क्या है, हर एक चीज़ आपको ट्रैक रिपोर्ट होगा। मतलब आपको कोई एक स्टाफ मेंबर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, आपका डायरेक्टली जो है
यू नो सब कुछ कस्टमाइज्डली आपके सामने यू नो मेंटेन रहेगा, और आप खुद आपके मोबाइल से ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। अभी तो लैपटॉप से मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई है, इवन आप मोबाइल से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोर्स डिज़ाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली बॉस कंप्यूटर या लैपटॉप से कीजिएगा, ताकि कोई एक ऑप्शन आपके हाथ से मिस ना हो। ये था सिंपल वे में आपको एक मैंने सिस्टम बताया। अब विजिट वेबसाइट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका वापस से आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन दिखाई देंगे। एज सिंपल नॉर्मली यहाँ पे आपको इस हिसाब से। अब मैं पेमेंट के बारे में बात करूँ, देखो यहाँ पे पेमेंट जो है 20% तक जो है यूनिवर्सिटी को कट जाता है, और बाकी बचा हुआ जो भी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में, जो अकाउंट आपने आपका बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है यहाँ पे, वो अकाउंट में आपको मिल जाता है। और ये सारी जो प्रोसेस है ये इसलिए इतना आसान हो जाता है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट व्यू आपके स्टूडेंट्स का रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्लो होता है, और आप पे और आपके स्टूडेंट पे दोनों पे मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी काम करती है। तो ये ट्रस्ट वर्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कोर्स आपने ले लिया ऑनलाइन पे डाल दिया तो कस्टमर जो है या स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली यू नो एडमिशन्स नहीं लेते हैं। तो एक ब्रांड आपको मिल जाता है या आपको एक प्रॉपर सिक्योर्ड लिंक मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप आपका ऑनलाइन कोर्स चला सकते हो, और आपको बाकी का जो खर्चा है सर्वर का खर्चा, होस्टिंग का खर्चा, टेक्निकल टीम का खर्चा, ये सारा जो है यू नो वो पूरा ख़त्म हो जाता है, और आप बस आपके कोर्स के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करके आप आपका कोर्स अपलोड कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो।